सत श्री अकाल जी सारे नु, मैं इंदरा सिंह नंदा हाजिर हूँ अपना अगला ब्लॉग लेके। आज का ये ब्लॉग है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे आपको जो नीचे हेडिंग लिखी हुई है उसके ऊपर पता लग गया होगा भाई क्या ब्लॉग है। और आज हम आए हैं दोनों साउथ हॉल पार्क में। ये साउथ हॉल का मेन पार्क है, यहाँ पे हम आए हैं। ये हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा पार्क है, यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए सब कुछ बना हुआ है। कई बुजुर्ग लोग आते हैं यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करते हैं। और ये कोई अंग्रेज है अपन नु जान दे नहीं, पर कल्ला ही लगे हुआ स्क्रीन पे। तो मुझे नहीं पता कि कर रहा है, पर अच्छा कर रहा है, ठीक है। और अब हम यहाँ से थोड़ी सी आगे चलेंगे, ग्रीनरी में जाएंगे और जाके बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं। आपको दिखाते हैं सारा कुछ पार्क भी, और हाँ बताएंगे, सारा बताएंगे कैसे मिलेगी स्पॉन्सरशिप। आगे वाले साथ आओ। ये रही कितनी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे यहाँ बच्चों को लटका देते हैं, कुछ उनके हाथ में होता है अपना लेके आते हैं घर से, वो यहाँ से लटकाते हैं बच्चा, ये पूरी वेव लेके यहाँ से जाता है वहाँ पे, जो अक्षय कुमार करते थे ना फिल्मों में, अक्षय कुमार धर्मेंद्र। वही चीज़ है भाई साहब। ये सारा पार्क पूरा छोटे बच्चों के लिए है, खेलने के लिए। यहाँ भी छोटे बच्चे अपने झूले वूले लें यहाँ पे। ये गगन ने किसी के बच्चे को पकड़ लिया, और क्यों ये आ गया है गगन का आज से। जब गगन 44 साल पहले ये गगन यहीं रहती थी, ये गगन का स्विमिंग पूल हुआ करता था, अब यहाँ पे लोग कुश्ती करते हैं। ये गगन जा रही है अंदर। गगन अपने पुराने घर में आके आपको ऐसा लग रहा है पिछले जन्म का घर है तुम्हारा ये, हैं? जाओ जाओ फटाफट जाओ। हाँ जी, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। जो हमारा मेन मुद्दा है, हम कहोगे भाई इतनी देर से ये पार्क दिखाई जा रहा है, कुछ कर जा रहा है, जो मेन चीज़ है वो बता नहीं जा रहा, ठीक है ना। अब मेन बात ये है, अपना चलते चलते बात करेंगे ना, जो यूके का स्पॉन्सरशिप वीज़ा है, ये बात एकदम रियल है भाई, आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ एजेंसियाँ हैं जो ये वीज़ा को आपको दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, तो कि आपको वीज़ा मिल जाएगा यहाँ पे आके। आप स्टूडेंट हैं आ रहे हैं, तो स्टूडेंट लोग भी इस वीज़ा को स्विच कर सकते हैं, स्टडी को ना करके इस वीज़ा में स्विच हो जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 110% हो सकता है। और जैसे अब कई लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, स्कॉटलैंड जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, काफ़ी दूर है यूनिवर्सिटी, कईयों की कहीं है, कईयों की कहीं है, हर कोई बंदा इधर उधर घूम रहा है। तो कई लोग ऐसा कर रहे हैं भाई, अपनी यूनिवर्सिटी को फीस पे करके आ रहे हैं 8 लाख रुपये, और 8 लाख की उन्होंने अभी भी यहाँ पर आके 6 लाख रुपये देने हैं। तो कई ऐसे भी हैं, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर आके पे करके आ रहे हैं 8 लाख रुपये, कई लोग पे करके आते हैं 6 लाख रुपये, कई लोग हमारे जैसे जो पूरी पेमेंट करके यहाँ पहुँचते हैं। तो जो लोग हाफ पेमेंट करके आ रहे हैं, उनके पास ये चांस होता है भाई अपनी थोड़े बहुत जो पैसे उन्होंने फ़ीस पे देने हैं वो अपने वीज़ा को स्विच कर लें, इसमें भाई उनको फ़ीस ना देनी पड़े, और इसमें वो वीज़ा को स्विच कर सकते हैं और अपना यूनिवर्सिटी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं, और अपनी मास्टर को ऐसे कम्प्लीट कर सकते हैं भाई। हम ऐसा स्विच कर रहे हैं केयर टेकर होम में वीज़ा में, वो अपना स्विच करके अपनी केयर की जॉब को शुरू करेंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। केयर टेकर के वीज़ा में तो मैं इसका नाम है टायर टू वीज़ा में ये होता है भी, आपको 5 साल के लिए एक ही जगह पे एक ही होम केयर में जॉब करनी होती है। 5 साल आपको जो केयर होम होते हैं वहाँ पे ही जॉब करनी है। आपकी हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो आपको पूरा 5 साल यही काम करना है। बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी सेवा करनी है, ठीक है। बुजुर्ग लोग जो से समझ गया, हाँ, तो बुजुर्ग लोगों की आपको सेवा करनी है खुल के।
ये मौसम यहाँ पे बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। कुछ मौसम यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है, आप कभी भी कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी यहाँ पे धूप निकल आती है और कभी भी यहाँ पे ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। कुछ नहीं विश्वास, कोई भी विश्वास नहीं कर सकते। आप हमेशा अपने बैग में अपना छाता लेके चलिए, आपके पास अम्ब्रेला होना चाहिए यहाँ पे कभी भी। इंग्लैंड की गर्लफ्रेंड का और वेदर का कोई भरोसा नहीं, कहना छड़िया ना। तुसी अपने तो ना लो गल। हाँ नहीं, तो देखो यार, केयर का जो काम है, अब आते हैं हम केयर के काम पे। जो लोग इसको सोच के आ रहे हैं, हम यार चलते हैं वहाँ जाके केयर का काम कर लेंगे, अपना वीजा स्विच कर लेंगे, अपने को हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे वैसे। कहानी में ट्विस्ट है, तो इसमें ट्विस्ट है भाई साहब। ऐसे नहीं, यहाँ भी आ गए और ये कर लिया, काम शुरू हो गया। जो केयर का काम है ना भाई साहब, ये बम इजी बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से बात निकाल देना, हमें एक बुजुर्ग को लेना, उसकी सेवा करनी, उसको उठाना है, उसको बिठाना, उसको खाना खिलाना है, छुट्टी। ऐसा कुछ नहीं है बाबा जी का उल्लू। अब सुनो हकीकत क्या है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं वो थोड़े से हिले के होते हैं, खराब होती है मतलब बात थोड़ी सी उनकी, वो अपनी एज से ज़्यादा जीरे होते हैं, उनको नहीं पता लगता वो कहाँ पे हैं क्या नहीं। तो अब उनको आपने, उन्होंने बीच में पॉटी कर दी है, तो उसको आप क्लीन करेंगे, ठीक है ना। नीचे पॉटी कर दी, शुशु कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो आपको भी क्लीन करनी है। अगर जो वो अंदर गए हैं नहाने के लिए, खाना है, सब कुछ करना है उनकी, वो भी सब कुछ आपको करना है, कपड़े तक पहनाना है, सब कुछ आपने ही करना है, सोच के आओ उसी को, ठीक है। तो भूल जाओ ये चीज़ में, अभी केयर बुजुर्ग है, वो बेड पे बैठा होगा, उसको हम उठाएंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उल्ट है। अगर से आपको ऐसा कोई काम करना है ना, पहले अपने घर पे करके देखिए, किसी अपने बुजुर्ग के साथ भी काम करना, उसका कर सकते हो इस चीज़ को क्लीन। यहाँ पे तो वो तो आपका अपना होगा, आपका अपना होगा, और अपने जो यहाँ पर आके करोगे, एक अजनबी के साथ करोगे ना, तो वो चीज़ अलग होगी। तो मैं आपको पहले ही क्लीन कर रहा हूँ इस बात को, आप एक करोगे ना तो पता लगेगा। एक बार अपने कर ले, किसी घर में किसी का करके देखो, फिर यहाँ आके आने की सोचो भी हमारे से ये चीज़ होगी, ठीक है। ये तो एक पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट आपको दूसरी लोकेशन पे जाके बताता हूँ, फिर आएगा मज़ा। अगला ट्विस्ट इस वीज़ा में ये है आप लोगों के लिए, देखो अगर से आप सोच के आ रहे हो हम जाके लंदन रहेंगे, हम जाके एक पर्टिकुलर जगह आप सोच लो, हाँ भाई हमें यहाँ जाके रहना है, चलो रहने की तो दिक्कत है नहीं। देखो रहने का ये सिस्टम होता है भाई, आपने अगर जे अपना देश छोड़ दिया तो कहीं भी जाके रहो यार, अगर जब अपना देश छोड़ा है हो ना तो कहीं भी जाके रह सकते हो। सोच के आओ माइंड से, भाई हमें ये नहीं पता हमारे रिश्तेदार यार लंदन रहते हैं, हम वहीं जाके उनके पास रह लेंगे और साथ में जॉब कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, समझ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे। और आप ये सोच रहे हो भाई हमें बर्मिंघम जैसा शहर मिल जाएगा, हमें लंदन जैसा मिल जाएगा, हमें न्यू हैम्पटन मिल जाएगा, हमें साउथ हैम्पटन मिल जाएगा, हमें साउथ पोल मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, भूल जाओ इस चीज़ में। जो एजेंट्स होते हैं, जो ये वीज़ा लगवाते हैं, वो आपके आगे एक पोस्ट कोड रखेंगे, यहाँ पे कोई भी एड्रेस होता है, यहाँ पे कम से कम लगा चलो 25 से 30 घर होते हैं, उनका एक पोस्ट कोड एड्रेस बनाया जाता है, सिर्फ उस पोस्ट कोड एड्रेस में 25 से 30 घर होंगे, वो बंदा वहाँ पे जाके उस घर को ढूंढ सकता है आराम से। भाई एक बंदे ने कहा मेरा घर का एड्रेस है 43 उसके साथ, दैट्स इट, अपने आप उस एड्रेस से पहुँच जाओगे, जैसे ही आपने वो लिखा होगा क्या कहते हैं पोस्ट कोड। ये नहीं मैं जैसे रहता हूँ अपना जी अपना विश्वकर्मा मोहल्ला सिटी सेंटर रोड, ये गली नंबर, ये मेरा हाउस नंबर, ऐसा भाई इतना लंबा नहीं। तो सिंपल सा घर का एड्रेस और पोस्ट कोड, दैट्स इट, ये आपका एड्रेस है, ये बंदा वहाँ पहुँच जाएगा, सिंपल, इतना सा ईजी होते हैं यहाँ के एड्रेस। तो ऐसे ही आपके आगे वो कम से कम लगा के चलो 25 से 30 पोस्ट कोड रख दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, चूज़ करना पड़ेगा अभी आपको कहाँ जाके रहना है, तो आप जाके चूज़ करोगे यहाँ भाई ये। अब वो पोस्ट कोड ये नहीं पता आपका भाई किस जगह पे है, वो ये नहीं पता होगा आपको भाई कहाँ है, इसमें मेरे यहाँ जहाँ जगह मेरे पोस्ट कोड जा रही है, मेरा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जाएगी, नहीं जाएगी भाई, ये जाएगी तो सिर्फ उस गांव में उस जगह पे गिनती के लोग रहते होंगे, मे बी शायद 150-200 लोग रहते होंगे, वो ही वो लोग बार बार मिलते रहेंगे। तो कई जगह ऐसा होता है भाई, कई बार जो जगह बिजी होती है उस जगह पे 250-250 पेशेंट्स होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो 250-250 होते हैं, तो उनको टैकल करना,
समझ रहे हैं। तो एक एक जो लड़की है वो लड़का है, एक एक कम से कम 10-10, 12-12 पेशेंट दिए होते हैं करने के लिए। तो सोच के चलो आपको कैसा रहेगा सब कुछ ये चीज़ करने के लिए। और सबसे तगड़ी बात इसमें आपको बुजुर्ग लोग मेंटल भी दिए जा सकते हैं, जो लोग हिले होते हैं दिमाग से, बिल्कुल हिले होते हैं जैसे कहते हैं वो लोग भी होते हैं इसमें। तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं भाई तुम्हारी जिले, कुछ भी, तुम्हारा गला दबा सकते हैं उनको, तुम हाथ तक लगा सकते हैं, तुम्हारा गला घोट सकते हैं वो, उन्हें लाउड है, तुम्हें कुछ भी लाउड नहीं, तुम्हें उनको टू करना भी लाउड नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर पॉटी भी फेंक सकते हैं, अपनी पॉटी उठा के तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे वो। मैं इससे भी गंदा वर्ड यूज़ करने वाला था, पर तुम्हें रोटी खा लो आराम नाल फिर करने गल, यह भी काम हो सकता है, तुहाडे मुँह ते थप्पड़ मार देन, तुहाडे अपने नखून जिहड़े हैगे तुहानू चुबा देन, कुछ कर देन, एक दूजे नाल भी लड़ सकते हैं, जिहड़े दूजे मैंटल है एक मैंटल दूजा, वो दोनों एक दूजे नाल भी लड़ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने टैकल करना, उन्होंने आना तुहाना, उन्होंने भी सब कुछ करना, यह सब चीज़ा होंदिया ने, नाल ही ला के चलो वो सिखाते भी हैं ना प्यार से, सिखाते भी, हाँ भी टैकल कैसे करना ये भी चीज़ होती है, लेकिन आप प्रिपेयर होके चलो, वो जितना मर्जी सिखाएं आपको, लेकिन आपके साथ ये चीज़ होगी ज़रूर, ठीक है ना। सोच के चलो भी आपके नखूनों में घुस गई वो, उस रोटी खा रहे हो आपको दिख गई वो, तो ये चीज़ें बड़ी ही अच्छी नहीं लगती, ठीक रहती हैं, बट आप सोच के हो। हाँ, अगर से कोई बंदा ठान ले, देखो यार ये नहीं मैं कहता ये चीज़ नहीं हो सकती, मैं नेगेटिविटी बात कर रहा हूँ ना, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, ये आपके साथ होगा। पहले आपके घर पे कोई बुजुर्ग बंदा है, अगर जब आप इंडिया में हैं आप ये सोच रहे हैं मैं आपके यहाँ पे ये काम कर लूँगा, अगर जब आपके घर में कोई बुजुर्ग बंदा है ना, पहले आप उसके साथ ये चीज़ को ट्राई कर लो कि हाँ मैं अपने बुजुर्ग की सेवा कर सकती हूँ या मैं बुजुर्ग की सेवा कर सकता हूँ, पहले वहाँ ट्राई कर लो एक बारी एक महीना, अगर जब उनकी सेवा कर लेते हो वहीं पर और यहाँ पर आते हो फिर मैं आपको मान लूँगा भी हाँ भी कर सकते हो, ठीक है। अव्वल तो मैं यही कहूँगा यार आप सब लोगों को भाई, आप यहाँ पे आ रहे हो और स्टडी बेस पे आ रहे हो तो आप स्टडी बेस ही स्टडी ही करो, सबसे अच्छी बात है ये, स्टडी आ रहे हो स्टडी ही करो, क्योंकि आप एक फ़ीस दे के आए हो, अगली फीस आपने देनी है, निकल जाएगी भाई, अगर जो तुम स्पाउस केस के साथ आ रहे हो तो निकल जाएगी, अगर जो आप बैचुलर आ रहे हो आपकी शादी नहीं हुई कुछ नहीं हुई तो और आपको फ़ीस निकालनी, तो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत टफ होता है, लेकिन अपना इंतज़ाम करके आओ। सबसे अच्छी बात ये आपको यार उसमें 5 साल का वीज़ा मिल रहा है, इसमें आपको 3 साल का वीज़ा मिल रहा है, एक स्टडी का 1 साल प्लस आपको PSW 2 साल का, उसके बाद PSW 2 साल का, आपने 2 साल PSW लिया, ठीक है, PSW आपने 2 साल लिया। मैं कह रहा हूँ जॉब्स यहाँ पे जॉब्स हैं, लेकिन करने वाला बंदा चाहिए भाई, ठीक है, ढूंढो यहाँ पे अपनी, आप एप्लीकेशन पाओ, इंडीड में पाओ, लिंक्डइन में पाओ, मैं करूँ बड़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जहाँ आप अपनी जॉब को अप्लाई करो, आपको जॉब मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, अपनी फील्ड में चाहिए अपने फील्ड में मिल जाएगी आपको। अब ये मैं सोचना मैं ऐसे पेड़ पकड़ लिया तो गाना गाऊँगा, मुझे नींद ना आए हो चैन ना आए चैन ना आए चैन ना ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो यार जॉब्स का ऐसा है भी, जॉब्स आप ढूंढोगे ना, जो बंदा काम करने के लिए ढूंढेगा ना भी हाँ मुझे काम करना है जाना है इधर उधर करना है, तो आप जॉब अप्लाई करो। तुमने जिस चीज़ की पढ़ाई की है, मेरी वाइफ जो आई हुई है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कोर्स के लिए आई हुई है यहाँ पे, तो इसके रिलेटेड कई फील्ड्स खुलती हैं इसको लेके, तो HR की फील्ड खुलती है सबसे पहले, तो ठीक है कोई फैशन मार्केटिंग भी है इसमें, जो फैशन मार्केटिंग की भी जॉब्स निकलती हैं इसमें, तो कुछ भी है इसमें जॉब मार्केटिंग में लाइन में भी जा सकती है। तो जैसे ही हम वहाँ से स्टडी पूरी करते हैं तो हम इस लाइन में अपनी जॉब ढूंढेंगे अप्लाई करेंगे। मैं कह रहा हूँ इतनी जॉब्स होती हैं, मैं कह रहा हूँ इंडीड पे देखो आप, मैं 200 जगह रिज्यूम डाल दूंगा अपनी वाइफ का, 200 में से 20 जगह से तो आंसर आएगा, सोच के चलो 200 में से 20 जगह से आंसर आएगा, तो 20 में से 2 कंपनियाँ ऐसी तो होंगी जो मेरी वाइफ को कहेंगे ऐसा असिस्टेंट हम रखेंगे, ऐसा असिस्टेंट हम रखने को तैयार है आपकी वाइफ को, भाई हम पे कम करेंगे, हमें मंजूर होगा भाई, हमें पता है हमें भाई हमारी एक बड़ी जॉब तो लगे यहाँ पे, ठीक है आपको 6 महीने के लिए रख देंगे अपने पास, यहाँ भाई आप सीख रहे हो, उसके बाद मेरी वाइफ सीख लेती है या कोई भी जो आ रहा है वो सीख लेता है, ठीक है, उन्हें सीख लिया, उन्हें पढ़ने के बाद इसी जॉब भी कर ली, उसको जॉब मिल गई, उसने 2 साल दे दिए इस जगह पे इसी कंपनी को और इसी ही क्या कहते हैं अपना जॉब में इसी फील्ड में 2 साल दे दिए। अब 2 साल देने के बाद क्या होगा, वो कंपनी आपको जाने नहीं देगी, ठीक है, वो आपकी कंपनी आपको सिखाया, उन्हें सब कुछ किया, आपने उसने आपको पे किया,
आप भी ठीक रह गए, तो वो कंपनी क्या कहेगी, एज आ आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, वो का आप कंपनी को 6 महीने पहले बोल दो, 6 महीने या 7 महीने पहले बोल दो, भाई ऐसा है मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, मेरा PSW लग गया था, मेरा 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो इसको मेरे को 6 या 7 महीने रह गए हैं, मुझे वीज़ा आगे एक्सटेंड करवाना है। तो अगर आपकी कंपनी मानती है भाई हम आपकी मदद करते हैं, और मैं कह रहा हूँ 70% कंपनीज रहती होती हैं यहाँ पे जो मान जाती हैं, हाँ भाई हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, वीज़ा तुम एक्सटेंड करो अपना, आप हमारे साथ ही जाओ, तुम्हारी कंपनी ने आपको मान करके तो आपको लगा कि चले 2 साल का वीज़ा हो जाए। अवल अगर जी आप नहीं रहना चाहते, सपोज करो नहीं रहना चाहते आप यहाँ पे, ठीक है, यहीं रहते सार ही आप कनाडा के लिए अप्लाई करिए। पहली बात, यहाँ पे 1 साल की मास्टर्स होती है, कहीं भी जाएं ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक UK ही ऐसी जगह है मेरे ख्याल से, बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर UK एक ऐसी जगह है जहाँ पे 1 साल में ही मास्टर कंप्लीट होती है। आप कनाडा में अप्लाई करिए, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करिए PR को लेके, आपको वैस करवाइए, वैस के बाद आपको वहाँ पे वर्ल्ड एजुकेशन में मास्टर लिखा आ जाएगा, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे आपके, ठीक है, और अपने यहाँ से IELTS कीजिए, IELTS करने के बाद 6 6 6 6 बैंड लीजिए, 8777 मत लीजिए, मैं नहीं कहता 8777 लेकिन देखो मुश्किल भी होते हैं, लेकिन यहाँ आकर आप कंपनी में काम करके हर एक चीज़ करके मेरे ख्याल से आपको 8777 लाने भी मुश्किल नहीं लगेंगे, बहुत ईजी लगेंगे, आप ले आओगे 8777 IELTS में, और वहाँ चक्के अपना PR डालो कनाडा में, मूव हो जाओ कनाडा में, और कनाडा में अपनी फील्ड में जॉब देखो, मैं कह रहा हूँ कनाडा में भी आपको जॉब मिल जाएगी और अच्छी मिल जाएगी और वेल सेटल्ड हो जाओगे, ये बेस्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, अगर जो आपने केयर के काम में ही जाना है, देखो केयर का काम जो सोच के आ रहा है मुझे केयर करनी है, मुझे आती है केयर करनी, मैं अपनी बुजुर्ग की भी कर चुका हूँ, मैं अपनी बुजुर्ग की भी कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे आए इस चीज़ को करे, मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया काम है केयर का भी, ऐसी बात नहीं, नहीं है बढ़िया यार, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में आप लोगों की सैलरी लगेगी 1400-1500 pounds, सिर्फ आपका खर्चा निकल रहा है उस जगह से आने का जाने का खाने का पीने का और रहने का इस सैलरी में, ठीक है, और प्लस आपका जो स्पाउस है वो अलग कमा रहा है, वो अलग है देखो, ठीक है, और वो काम करते करते आपको साल हो जाता है, फिर 2 साल हो जाते हैं केयर का ही काम करते करते, मैं कह रहा हूँ ऐसे पाउंड बनते हैं यहाँ पे उस काम के कोई हिसाब नहीं, लेकिन मन में ये बात को बिठा दो, चाहे वो बंदा कुछ भी कर रहा है यार, टिशू करे पोटी करे नहाए धोए हम नहीं ला रहे हैं उसको साफ़ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ अपना मन के अंदर पक्का कर लो हम कर देंगे, ठीक है ना, वो एक न्याणा है छोटा सा, जितना बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा बच्चा है, वो बुजुर्ग जो सा वो ऐसा हो जाता है, छोटा बच्चा है दिमाग भी छोटे बच्चों वाला हो जाता है और वैसे ही हो जाता है, तो इस चीज़ को सोच लो, या हमें स्टडी करनी है अब या हमें इसमें जाना है, तो मैंने इस चीज़ को अपनी स्टडी ही चुना है अपनी वाइफ के लिए, हम स्टडी ही करेंगे क्योंकि एक हमारे पास मास्टर हो जाएगी, उसके बाद हमें यहाँ पे जॉब हमें मिल जाएगी, हमें पता है हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा घूम फिर चुका हूँ इस जगह को, इतना स्टडी कर चुका हूँ कि मैं जॉब यहाँ पे अब ढूंढ सकता हूँ, इतना मुझे पता है, कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, तो आप इसी सोच के आइए भाई, हमें ये हम सारे काम करने पड़ेंगे, लोग बोली जा रहे हैं भाई UK दे रहा है स्पॉन्सरशिप, UK दे रहा है Tier 2 वीज़ा, अरे भाई पूरा असलियत देख लो भाई, ये है Tier 2 वीज़ा, ठीक है ना, Tier 2 वीज़ा ऐसा नहीं है भाई आपको ये किसी स्पॉन्सरशिप इसी में मिलेगी, आप किसी और चीज़ में भी ढूंढ सकते हो, हाँ ये बात भी है भाई, आप अकाउंट्स में भी ढूंढ सकते हो, कोई अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप कर सकती है, जिसके पास लाइसेंस आया स्पॉन्सर करने का Tier 2 वीज़ा, तो वो डेफिनेटली कर सकती है, केयर की जगह शायद आपको कोई अकाउंटेंट का दे दे, कोई अपना कार ठीक करने वाला दे दे, मैकेनिक में दे दे किसी चीज़ में, लेकिन उसके ऊपर लाइसेंस होना चाहिए यहाँ पे भी, हाँ वो एक लेबर को रखने का उसके ऊपर लाइसेंस होता है यहाँ पे कंपनीज पे, वो होना चाहिए, लेकिन वो कंपनीज जिनके पास होते हैं वो चार्ज बहुत ज़्यादा करती हैं यार, कम से कम 15-15 lakh रुपये लेते हैं वो लोग, मेरे पास एजेंसी है केयर टेकर वालों की, अगर जो आप नीचे कमेंट करोगे हाँ भी मुझे चाहिए है, मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ, मेरे इंस्टाग्राम को जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, सी हॉर्स कपल नाम से हमारा पेज है, आप उस पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पूरा एड्रेस दूंगा भी आपने कहाँ जाना है कैसे जाना है और कितने पैसे लगते हैं, बहुत कम प्राइस में मैं करा दूंगा ये काम आपका, एजेंसी जितने लेगी उतने ही देने पड़ेंगे आपको, मेरे को कोई मेरी कमीशन नहीं चाहिए, आप आए आप वाहेगुरु जी ऐसे सानू पहुँचा था अंदर ही साढ़े लिए बहुत है, आगे मैं आपको कर दूंगा भी, ये कंपनी है लड़का ये काम करना चाहता है, लड़की ये काम करना चाहती है, दैट्स इट, आप उनको पैसे दीजिए, जेन्युइन है कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारे कई लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जाइए और अपना ज्वाइन कराइए और किला फतेह कीजिए, किला फतेह कीजिए जो मर्जी, चलो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी और साथ के साथ। चलो प्लीज़, हाँ, सब्सक्राइब तो कर लो यार, हूँ तो कर लो, इन्नी वधिया इन्फॉर्मेशन देती मैं तुहानू, कर लो, बाय।